ये मसला पहले भी बयान हो चुका है कि कोई आदमी पहले से अपनी कब्र बनवा ले, ये मुस्तहब है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र बनवा ली थी अपनी, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह रबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबईन में से थे, उन्होंने भी अपनी कब्र पहले से ही बनवा ली थी। तो कोई आदमी अपनी कब्र पहले से बनवा के रख ले, जैसे अहलिया के साथ, जैसे माँ बाप के पाँव में या कहीं भी, तो ये चीज़ सवाब की बात है, मना क्या होना है इसने। बहुत से बुज़ुर्गों का हाल ऐसे ही कि उन्हें पहले से ही कब्र, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़ेल काबिल इत्तेबा नहीं है कि उन्होंने कहा जाओ और पूछो, तो जब इजाज़त लेके आए इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो इन्होंने कहा कि मैं अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, मुद्दतों से मैं सोचता था कि काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जगह मिल जाए। अकबर हम्मी, मेरी तबीयत का असल दुख और गम का मरकज़ ये चीज़ थी, फिक्र थी कि पता नहीं मुझे वहाँ जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बावजूद इतने मोहतात थे कि फरमाया मेरे जनाजे को ले जा के रख देना और दोबारा पूछना, ऐसे ना हो कि उम्मुल मोमिनीन मेरी हुकूमत ताकत सल्तनत इसकी वजह से इजाज़त दे दी हो उन्होंने और उन्हें देना चाहती हूँ, तो मैं जब मैयत हूँ तो वहाँ ले जा के रख देना, फिर पूछना, अगर वो इजाज़त दें तो मुझे दफन करना, वरना मुझे आम मुसलमानों के साथ जन्नतुल बकी में दफन। तो इसलिए अपने लिए कब्र बना के रखना मुस्तहब, बेहतर।